आज मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट बताऊंगा जो आपने शायद स्कूल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद ही आपने ये पढ़ा हो कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हाँ, अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपने देखा होगा, उसकी फॉर्मूला है वो H2 है, H2O है। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लू कलर के अंदर रहता है जब लिक्विड और सॉलिड के अंदर रहता है, लेकिन वेपर के अंदर जैसे हमें मालूम है कि वो अगर वेपर में हो जाए तो कलरलेस और ऑर्डरलेस हो जाता है, राइट। तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड और सॉलिड में जब होगा तो कौन से कलर में होगा? इट विल बी इन ब्लू कलर। इट विल बी इन ब्लू कलर। अब सेकेंड बात करते हैं वाटर की। अब जैसे अगर पानी ठंडा करना हो, फ्रिज पानी अगर भर आइस बनानी हो तो उसको हम फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज हो जाता है कोल्ड वाटर से। ओके, जो हॉट वाटर होगा वो कोल्ड वाटर से जल्दी फ्रीज होगा। हाँ, ये समझने वाली बात है। लगता है कि जो नॉर्मल पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन हॉट वाटर जल्दी फ्रीज हो जाता है एज़ कंपेयर टू कोल्ड वाटर। अब ये जो कोल्ड वाटर है, अब जैसे हॉट वाटर में क्या था कि जल्दी फ्रीज होता है, अब कोल्ड वाटर क्या होगा? जल्दी से बॉयल होगा, उबलना जल्दी होगा। ओके, एज़ कंपेयर टू हॉट वाटर। अब मैमल्स में से बैट एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। बैट्स मीन्स चामर चिड़िया जिसको हम कहते हैं। ये एक ऐसा मैमल है जो सिर्फ उड़ सकता है, बाकी मैमल्स उड़ नहीं सकते। सिर्फ चामर चिड़िया ऐसी ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। ओके, अच्छा, वाटर जो है वो तीन फॉर्म के अंदर रहेगा, आइस, वाटर और वेपर। ओके, मीन्स पहले आइस बनेगा, फिर आइस के बाद क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, फिर उसको और करेंगे तो ये वेपर बन जाएगा। ओके, तो इसको कहते हैं वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, मीन्स आइस, वाटर और वेपर साइमल्टेनियसली। पहले आइस, फिर वाटर रहेगा, फिर वेपर बन जाएगा। ओके, ये कहते हैं वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, ये वाटर की प्रॉपर्टी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फूड। अच्छा, आप खाना तो खाते होंगे, राइट। अब खाने का जो टेस्ट है वो किससे पता चलेगा? सलाइवा से। सलाइवा मीन्स जिसको हम लार कहते हैं। ओके, विदाउट सलाइवा आपको फूड का टेस्ट पता नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब खाना हम खाते हैं तो उसका टेस्ट कैसे पता चलेगा? सलाइवा से, उसकी जो लार रहती है मुंह के अंदर उससे पता चल रहा है कि फूड का टेस्ट क्या है। चाहे वो चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, आइसक्रीम खाएंगे तो किससे पता चलेगा? सलाइवा से। चॉकलेट खाएंगे तो किससे पता चलेगा? सलाइवा से। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यू कैन नॉट टेक टेस्ट ऑफ एनी फूड विदाउट सलाइवा। नेक्स्ट पॉइंट बात है पीरियोडिकली टेबल। आपने साइंस के सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर पीरियोडिक टेबल होता है। ओके, अब उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, राइट, H, A, लेकिन सिर्फ J ही ऐसा अल्फ़ाबेट है, लेटर है, जो वहाँ पे अपीयर पीरियोडिक टेबल के अंदर अपीयर नहीं होता। हाँ, तो सही सुना कि J ही ऐसा एक लेटर है, अल्फ़ाबेट है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं आता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट थे साइंस के रिलेटेड, जो आपको स्कूल के अंदर शायद पता हो कि नहीं पता हो, लेकिन आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए या फिर आप खुद चेक कीजिए नॉलेज के हिसाब से कि हाँ ये चीज़ है कि नहीं है। ओके,